राज्यरे बेकारी समस्या दूर करिबा पई बिजु बाबू चौद्वारे करिथिले सर्वबृहत लुगाकळ बा ओटीएम कंपनी। एही कंपनी उपरे हजार हजार श्रमिक निर्भर करि चलुथिले, किंतु राजनीतिक पसापालीरे बळी पड़गला ओटीएम कंपनी। 2001 मसिया फेब्रुवारी मास 31 तारिखरे कंपनी रे झुलिला ताला। तेबे 21 वर्ष बीती जाइथिले सुद्धा ना कंपनी खोलिला ना श्रमिक मानकु तांकर बकेया दरमा मिलिला। चौद्वार तथा आखपाख ग्रामांचल भात हांडी बोलाउथिबा ओडिसार सर्वपुरातन लुगाकळ सरकार आंतरिकता अभावरु एबे भूतकोठी पलटिछि। चाकरी गला भारी आम इटे हईराणी रही, बाबू भी मरीगले आउ असुविधा अईगा भी असुविधा आम पैसा पत्र किसी ओटीएम शुणिला ना ना देलानी। 1200 कोटर ये श्रमिक मैंने जो रोचे जो कालातिपाता करकर जीवनशैली अति मिजरेबल जहाँ कहते बहुत निम्न मान जीवनशैली चलते आम भी आशा करश्चर बापा जो सुनार जोटा थे मानते कलश भाई ओटीएम ताकू जेंति पुनरुद्धार करंतु। दुर्भाग्यजनक विषय एठी राज्य सरकार को कौन से आंतरिकता ना जी कि भाव में लोक 13,000 कर्मचारी एपर्तन छटे 13,000 कर्मचारी छटे रही कंपनी रे काम करथुबा समस्त श्रमिक बहु समस्या दे वर्तमान गति करुछंती। बकेया दरमा पाइबा आशारे किए मृत्युबरण कर सारी तो आउ किए आत्महत्या करिछंती। तेबे गोटे पटे मंत्री प्रताप केशरी देव कहिछंती जी थरे बंद हो गला सरकार ताकू चलाई पारे। अनेपटे पूर्वतन मंत्री प्रताप जेना कहते अदालत रे केस विचाराधीन थिबारु विलंब हेले सरकार खूब शीघ्र पदक्षेप ने भितरे विधानसभा प्रश्नकाल विधायक सौभिक विश्वाल और ताराबाहिनीपति प्रश्नर उत्तर दे मंत्री रीता साहू कहते आसंता 21 तारीख अदालत निर्देश पर सरकार पदक्षेप ग्रहण करे। समस्या को समाधान करने आम प्रतिश्रुतिबद्ध सरकार जहाँ बकेया पैसा रही दबापाई आफिडेविट जरिया एक जेहेतु ये सब जुडिस रही निष्पत्ति तेणुकर यह कार्यकारी हो पारना जो चली पारे से रुग्ण हो गला पुनर्व रिभाइव कर सरकार कौन विचार ना बर्त तेज सरकार आंतरिकता अभाव बंद हो जा ओटीएम कंपनी रो विकल्प कौन हेबो ताकुनि उठिछि प्रश्नवाची। बकेया प्राप्य पाइन श्रमिक माने सेमानक हक पई चाहि बसिछंती। आसंता 21 तारिख रे हाईकोर्ट को सुनानी परे सरकार कौन नेउछंती पदक्षेप ताहा उपरे आम नजर। चौद्वारु अजित स्वाईंक रिपोर्ट आरकस न्यूज़।